आज पायलिया इस फिल्म का मोड है और शंभू पांडे जी इसके प्रोड्यूसर हैं एंड इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर अनुज तिवारी जी हैं और आज जिनका मैं गाना गा रही हूँ उन्होंने लिखा है शेखर मधुर जी ने। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, डुएट सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और अभी गाने जो है मैंने रिकॉर्ड किए नहीं है, अब होने वाले हैं तो गाने के बाद मैं आगे बता पाऊंगा कि कैसा गाना है, बट मैंने गाना लिखा है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, रोमांटिक गाना है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये गाना बहुत पसंद आएगा। प्रियंका जी, आपका भी काफ़ी लंबा करियर है भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्या कहना चाहेंगे, आपको कभी इस तरह का माहौल लगा कि आपको आपके आगे जो आपका एम है, आपका जो मकसद है उसमें के लिए रोका जा रहा है? आपका जो सिंगिंग करियर है, क्योंकि आप इतने पॉपुलर गाना गा चुके हैं और काबिले थे इसीलिए आपको मौका मिला है, या किस्मत कह सकते हैं, लेकिन लोगों के बारे में बताइए कि क्या रहा है रवैया आपके प्रति? एक्चुअली अब तक का जो सफ़र रहा है वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यूज में बताए थे और मुझे लगता है कि इंसान जब भी आगे बढ़ता है तो हर कदम पे जो है वो पत्थर तो ऑलवेज आपके आगे आता ही है, रोड़ा बनके या जिस भी तरह से, लेकिन उसको कैसे हटाना है और कैसे आगे पार करना है तो वो आपको ही डिसाइड करना होता है। हम रोज़ किसी के सामने ऐसा रो नहीं सकते कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि उससे कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो है वो हमें खुद करनी होती हैं और ऊपर वाला जो है ईश्वर, माता रानी, महादेव और आपकी जो मेहनत है और किस्मत, यही सारी चीज़ें हैं जो मिलके उसका रिजल्ट आता है। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि हर कदम पे कुछ लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, मुझे भी है, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऑलवेज़ हर कदम पे मुझे भी रुका जाता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि जहाँ मेरे गाने जो कंपनीज में जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो जाके वहाँ कहते हैं कि इनका गाना क्यों ऐसा ले रहे हैं, जबकि गाने बजते भी हैं, लोग इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार देते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि इस इंसान ने ऐसा किया, उसने वैसा किया, क्योंकि मुझे कहना नहीं है और क्योंकि उससे कुछ मतलब नहीं है। मैं बस यही बोलूँगा कि तुम मुझे कब तक रोकोगे, बस यही बोलूँगी। और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि पवन सिंह हो, केसारी लाल, ये दो बड़े स्टार हैं, रोकते हैं काम को तो नहीं। एक्चुअली कोई भी स्टार ऐसा, कोई किसी को मुझे नहीं लगता है कि ऐसा रोकता है। कुछ लोग बाग होते हैं जो साथ के जो लोग बाग हैं, तो वही सारी चीज़ें, और मुझे पता नहीं मैं इस बारे में क्या कहूँ, आपने बड़ा अजीब सा ही सवाल पूछा है मुझसे, ये डायरेक्ट नहीं पूछने का, सो ये सवाल ऐसा आपको पूछना नहीं चाहिए, इट्स रॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअली, बट जब आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसा मैंने कहीं पर भी पढ़ा हुआ था कि जब आप आगे बढ़ते हैं और आपके बहुत सारे जब लोग आपके एक साथ आपके खिलाफ लाइक खड़े हो जाएं, इसका मतलब आपका नाम हो गया, तभी लोग आपको पीछे रोकने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक्चुअली इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ, मैं अपना सिर्फ काम करती हूँ, अपने गाने गाती हूँ, अपने तरफ से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ कि ऑडियंस के लिए हमेशा अपने तरफ से बहुत अच्छा करूँ। और मेरा चैनल है प्रियंका सिंह ऑफिशियल और प्रियंका सिंह एंटरटेनमेंट, उसके माध्यम से मैं ऑलवेज सोशल गाने भी करती हूँ, बहुत सारे सामाजिक गाने, जो अभी रिसेंटली मैंने एक दुल्हनी दहेज एक सॉन्ग किया था जो कि प्रियंका सिंह एंटरटेनमेंट से मैंने किया था, उसको दर्शकों ने बहुत सारा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और मैं ऑलवेज कोशिश करती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी साइड से एक अलग अलग तरह के गाने करूँ, फ्यूज़न गाने, फोक फ्यूज़न जो हमेशा से करती आई हूँ, और बाकी फिल्मों के गाने भी मैं गाती हूँ, जो बहुत अच्छे अच्छे गाने मुझे ऑलवेज मिलते हैं, तो मैं सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने इतना अच्छा अच्छा गाना देते हैं और सब लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार देते हैं, और रोकने वाले तो हर जगह हैं, लेकिन उसी में आपको आगे बढ़ना है तो वो आप खुद से आपको और डिसाइड करना होता है कैसे करना है, और ऊपर वाले का जो आशीर्वाद है वो है, और सबसे ज़्यादा जो है वो पब्लिक प्यार करती है, ऑडियंस इतना प्यार करती है कि उनकी वजह से ही मैं हूँ जो कुछ भी हूँ, तो इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए और मुझे यानी प्रियंका सिंह को यूँ ही प्यार करिए और मेरे गाने सुनिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।